हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम मुंबई का वीडियो बनाने जा रहे हैं, देखिएगा। कुछ दिन पहले ही आया हूँ, उसमें सोचा कि ब्लॉग डाल देता हूँ। मैंने आपको बोला भी था वीडियो में, इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। शाम का समय है, ठीक है। मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ इधर कैसी रहती है। ये देखिए बिल्डिंग, बहुत इधर ही पब्लिक है, इधर देख रहे हैं पूरी टैक्सी लगी हुई है। उस साइड भी बिल्डिंग है, सब जगह इधर पूरे देखिए पूरी भरी हुई है। इधर पब्लिक भी ज़्यादा है अभी तो, इधर पूरी टैक्सी टैक्सी हर जगह आपको टैक्सी मिलेगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा इधर है, इस साइड सोसाइटी एरिया है। ये सब में रूम रेंट तो जानते ही होंगे, बहुत महंगाई मिलता है ये सब बिल्डिंग में। पहले तो आपको डिपॉजिट इतना ज़्यादा रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कितना रूम रेंट रहेगा। ये देखिए मैं और करीब आ गया इस बिल्डिंग के, कितना ऊपर तक है, पूरा खड़ा लग रहा है देखने में। रोड थोड़ा बहुत ख़राब मिलेगा लेकिन अच्छा ही है, मान के चलिए किधर किधर है ख़राब। आपको टैक्सी का सुविधा लेकिन सब जगह मिलता है, ऑटो का भी। ये देखिए कितना ऊंचा है, ये देखिए इस साइड सोसाइटी एरिया है पूरा, पूरा सोसाइटी है। सिर्फ बिल्डिंग आपको इधर मिलेगी, ये सब में रूम रेंट बहुत ही महंगा रहता है। इस साइड टैक्सी का सुविधा लेकिन अच्छा है बहुत। और देखिए पूरी सब जगह आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग मिलेगी। ये देखिए एक और बड़ी बिल्डिंग, अभी तो बन रहा है सब इधर बड़ी बिल्डिंग। देखिए कल ताज होटल का भी शायद वीडियो आ सकता है, कल जाएंगे घूमने के लिए तो बताइएगा कैसा लगा एरिया आपको, कमेंट कीजिएगा सब। अब वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी चैनल कर दीजिए, इससे आगे और वीडियो आती रहेगी हर जगह की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई, जिधर जाऊंगा उधर के वीडियो दूंगा। कल बैठा देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए इधर बिल्डिंग कैसे बनती है, पहले लोखंड से फ्रेम बनाया जाता है, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। सब में वैसा ही रहता है, इधर सब वैसे ही रहता है इसी तरीके का। पहले बिल्डिंग, पहले लोखंड का जो लोहे का होता है बनाते हैं फ्रेम, उसके बाद बनती है बिल्डिंग। इधर का कुछ अलग ही रहता है, ये देखिए सब उसी तरीके से बनता है। बहुत ही बड़े बड़े हैं मोबाइल भी, बहुत ऊपर।